फ्लोरिडा के लॉडर हिल स्टेडियम में जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। भारत और कनाडा का मैच भी बारिश की भेंट चढ़ गया। लॉडर हिल स्टेडियम में भारत कनाडा मैच रद्द हो गया और इसकी बड़ी वजह मैदान गीला होना था। मैच से पहले देर रात को फ्लोरिडा में भारी बारिश हुई और इसकी वजह से मैदान गीला रहा। ग्राउंड को सुखाने की काफी कोशिश की गई लेकिन ग्राउंड स्टाफ नाकाम रहे। भारत और कनाडा का मैच रद्द होने के साथ ही साथ लॉडर हिल मैदान में एक अनचाही हैट्रिक भी लग गई है। लॉडर हिल में सिर्फ भारत और कनाडा का ही नहीं मैच रद्द हुआ बल्कि इससे पहले दो मैच मुकाबले और भी रद्द हुए। 11 जून को श्रीलंका और नेपाल का मैच बिना टॉस के रद्द करना पड़ा। कुछ ऐसा ही 14 जून को अमेरिका और आयरलैंड के मैच में देखने को मिला। इस मैच के रद्द होने के साथ ही साथ पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अगर ये मुकाबला होता और आयरलैंड मैच जीत जाता तो पाकिस्तान के सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदें थोड़ी सी हो जाती, लेकिन बारिश ने इस मैच में सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस तरीके से लॉडर हिल में लगातार 3 मैच रद्द हो गए। अब पाकिस्तान और आयरलैंड को इसी मैदान में 16 जून को खेलना है और जिस तरीके का मौसम रहा है उसे देखकर ये लग रहा है कि ये मैच भी रद्द होगा। तो देखिए, भारत के लीग स्टेज के मुकाबले खत्म हो गए हैं और टीम 7 अंक के साथ सुपर 8 में पहुँच गई है, जहाँ सबसे बड़ी वजह ये रही है कि अब बड़ी टीमों से टक्कर होगी। यहाँ हम आपको भारत के संभावित सुपर 8 के शेड्यूल के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच गुरुवार यानी कि 20 जून को सुपर 8 में भिड़ंत होगी। अफगानिस्तान की टीम भी लीग स्टेज में दमदार प्रदर्शन करके आ रही है। अफगानिस्तान की टीम ग्रुप सी में थी। राशिद खान के नेतृत्व में अफगानिस्तान की टीम ने 3 मैच खेले हैं और सभी मैच में जीत हासिल की है। अफगानिस्तान अपना आखिरी लीग स्टेज मुकाबला 18 जून को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगा। भारत का सुपर 8 में दूसरा मुकाबला बांग्लादेश से हो सकता है। बांग्लादेश की टीम ग्रुप डी में है। ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका की टीम पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है, जबकि भारत का 22 जून को ग्रुप डी से सुपर 8 में पहुंचने वाली दूसरी टीम से मुकाबला होना है। हालांकि बांग्लादेश और नीदरलैंड सुपर 8 में पहुंचने की रेस में बने हुए हैं। बांग्लादेश की टीम के 3 मैच में 4 अंक हैं जबकि नीदरलैंड्स के 3 मैच में 2 अंक हैं। नीदरलैंड को सुपर 8 में पहुंचने के लिए श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला बड़े अंतर से जीतना होगा और उम्मीद करनी होगी कि बांग्लादेश अपना आखिरी लीग मुकाबला नेपाल से हार जाए। हालांकि इसकी संभावना काफ़ी कम है। दूसरी ओर बांग्लादेश की टीम अगर अपना आखिरी मैच जीतती है तो वो सुपर 8 में पहुँच जाएगी। भारतीय टीम सुपर 8 में अपना आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी, जो कि ग्रुप बी में शीर्ष पर था। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप स्टेज में 3 मुकाबले खेले हैं और तीनों में जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया अपना आखिरी लीग स्टेज मुकाबला 16 जून को स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगा। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मैच 19 जून से 24 जून तक चलेंगे, जिसके बाद 26 जून और 27 जून को सैन फर्नांडो और गुयाना में सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। फाइनल 29 जून को ब्रिज टाउन बारबाडोस में खेला जाएगा। सुपर 8 में टीमें फिर से सिंगल राउंड रॉबिन लीग में 2 समूहों में बटेंगी, जिसमें 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। एंटीगुआ बारबाडोस, सेंट लूसिया और सेंट विंटिस इस दौर के सभी 12 खेलों की मेज़बानी करेंगे। तो देखिए, भारतीय टीम जो है वो पहुंच गया है और भारतीय टीम का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा है। हालांकि बल्लेबाजी ने थोड़ा निराश किया, लेकिन पिच जिस तरीके से थी वो शायद बल्लेबाजों के फेवर में नहीं थी। गेंदबाजी काफ़ी अच्छी हुई है और अब सुपर 8 के लिए जो मुकाबले खेले जाएंगे वो अफगानिस्तान के साथ पहला मुकाबला होगा, 20 जून को खेला जाएगा। और देखिए, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे बड़ी राइवलरी कह लीजिए, क्योंकि साल 2023 में वर्ल्ड कप हमारे थे और अब देखिए T20 वर्ल्ड कप नज़दीक है। हालांकि आंकड़े जो हैं वो थोड़े से भारत के फेवर में है, लेकिन फिर भी जब सामने ऑस्ट्रेलिया होता है तो धक धक तो करता ही है दिल। तो देखिए, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय टीम यहाँ से सारे मुकाबले जीत जाएगी? आपको क्या लगता है कि क्या प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव हो सकते हैं? क्या विराट कोहली नंबर 1 पर ही खेलेंगे या फिर उन्हें नंबर 3 पर प्रमोट किया जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें ताकि एक भी खबर मिस ना होने पाए।